So good morning to all of you. Good morning. Today we are on day 3. It's a final day of OTQs, introduction to accounting. Question aapke samne hai beta, try karna hai milkar. First question, bookkeeping means what? Sochiye jaldi se, what is the meaning of bookkeeping? What should be the answer? Keeping books. Keeping books. Second, recording in books. Number third, recording in recording of business transactions in the books, or all of the above? The answer will be option C. Kyun hoga correct? Sir, keval aur keval ek hi kaam hai, record karna. Uske aage hum jana aage tak jaate nahi. Bookkeeping mein itna hi hota hai. Profit ka calculation karna hai, accounting mein aaiye. Right, beta? So option C is the correct answer. Bilkul theek hai. Very good, beta. Next, ab main seedha randomly question pick kar raha hu. Question number 5th. Now we should carry forward to question number 5th. The characteristics of accounting. The characteristics of accounting are. भाई accounting की क्या-क्या characteristics हैं? क्या-क्या खास बात है? Sir, recording भी है, classifying भी है, जिसे हम posting भी कहते हैं, laser में posting कहते हैं, फिर trial balance में summary. तो सर इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होगा. बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट. यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th जो आपके सामने है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. जहां किसी बच्चे को डाउट आए आप पूछ सकते हैं. नाउ कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 6, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, जितने मैक्सिमम कर सके करेंगे, बाकी आप घर पे रुको रुको बेटा. फिर अगर जो पहले बोल रहा है ना, इट मींस या तो उसने क्वेश्चन के पीछे जो आंसर लिखे हैं बुक में वहीं से देख के बोल रहा है, तो उसमें तो कोई मजा नहीं है. कोई भी बच्चा बता सकता है बेटा. जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम. सबसे पहले क्वेश्चन का कांसेप्ट समझिए और ये चीज ध्यान से समझ लेना. कभी भी एक अच्छा एग्जामिनर एज इट इज बुक का पेपर ओटीक्यूज में ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं देगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकता है. ये ध्यान रखना बेटा. इसने आपको कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन रटा नहीं मानना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब आपको एक खास बात बताता हूं, वर्ड क्या लिखा है, नॉट. और सीबीएसई बोर्ड ये ऐसी सिचुएशंस कई बार क्रिएट करता है. भाई जनरली हम एक पॉजिटिव मैनर में क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें से कौन कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है. अभी क्या लिखा है, Not a business transaction, मतलब सभी business transaction है इसके अंदर एक को छोड़कर. और वो एक कौन सा है, चेक कीजिए. नंबर 1, फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, सर ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है. सैलरी दी, सर बिजनेस का ट्रांजेक्शन है. प्रोप्राइटर ने, सर प्रोप्राइटर कौन होता है, ऑनर, बिजनेस का ऑनर, राइट. लेकिन उसकी भी तो फैमिली होगी, उसकी भी तो फैमिली, बीवी बच्चे होंगे बेटा. Proprietor paid 10,000 for the school fees of his son from his own. Darial. Yes, yes. Own बोले तो personal yes, bank sir. account. ये business का transaction हो ही नहीं सकता sir. ये तो personal transaction है. और next लिखा है, आपने अपने बच्चे की school fees business से दी, जिसे हम accounting language में क्या कहते हैं बच्चों? Drawings. Drawings. Very good. Very good बेटा. Very good. Wow, that's good बेटा. That's good. ठीक है, तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जो प्योरली पर्सनल है. आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने बच्चे की फीस दी, तो इससे बिजनेस का क्या लेना देना भाई. हम तो अकाउंट हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं. सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले, इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वाओ, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, आपको लगाइए. इसमें से कौन सा इंटरनल यूजर होगा, जरा सोचिए. यस बच्चों, मैनेजमेंट. 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 ऐसा क्यों? इन्वेस्टर का काम क्या है, पैसा लगाया और अपनी लाइफ में खुश, अलग काम कर रहा है. क्रेडिटर्स, सर इनका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. एम्प्लॉयज, 100% अटैच नहीं. आप कुछ भी कहें, एक बात बताइए, हम बच्चों से ज्यादा अटैच होंगे या स्कूल से? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, बताइए प्लीज, सोच के बताना, दिमाग लगा. स्कूल. एनीवन एल्स? बच्चों से.
ऑब्वियसली बेटा, अरे जानवी हम बच्चों से अटैच होंगे बेटा। एक बात सुनो, मैं आप सबको डिससेटिस्फाई करूं और स्कूल वालों की फुल ऑन फ्लैटरिंग करूं, आप सबका क्या फीडबैक जाएगा कि अकाउंट्स का टीचर सबसे बेकार है, नलायक है, उसको कुछ नहीं आता, वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करता, बिल्कुल मोटिवेट नहीं करता, तो ऐसा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं बेटा। मेरा मेन लिंक किससे होगा? एक अच्छा टीचर सबसे मेन क्या करेगा, बच्चों को सेटिस्फाई करेगा, बच्चों को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेगा। बिकॉज अगर बच्चे राजी तो क्या करेगा काजी, सीधी सी बात है, राइट बेटा? स्कूल को क्या प्रॉब्लम है? स्कूल तो एक ही चीज चाहेगा कि बच्चा और टीचर सबसे मेन कनेक्टेड रहे, बात खत्म, ठीक है ना। तो मेरा स्कूल से डायरेक्टली कोई लेना देना, हाँ एक चीज में लेना देना है, आई शुड गेट माई डैश ऑन टाइम। बताइए बेटा, इन्फॉर्मेशन या आर क्या होगा इसमें से एक्सटर्नल, जरा सोचिए बेटा। All of the above. Researchers है, government है, investor है, सर ये आते हैं, एक बार चेकअप किया, चेक किया, देखा कैसा चल रहा है बिजनेस, उसके बाद फ्री। एक मालिक है और मैनेजमेंट है जो हर दिन लगे रहते हैं कि किस प्रकार बिजनेस को और प्रमोट करे। देखो ऐसे मजा आता है, ऐसे मजा आता है अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। चलो इसी बात पे एक और देख लेते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल क्वेश्चन पढ़ना आराम से, कुछ जल्दी नहीं है बेटा। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट मतलब सभी एक्सटर्नल यूजर हैं एक को छोड़कर, तो दिमाग लगाइए वो एक कौन सा होगा बेटा, लगाइए दिमाग। एम्प्लॉय, ऑफिसर, पब्लिक। एक काम करते हैं हम, पहले नॉट को हटाते हैं, हम नॉट को हटा देते हैं एक बार, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इनमें से कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर हैं। लेंडर, जिन्होंने पैसा लैंड मतलब हमें क्रेडिट पर दिया, सर ये तो एक्सटर्नल है। एम्प्लॉय, सर अभी अभी बात की थी एम्प्लॉयज एक्सटर्नल में आएंगे, एम्प्लॉयज का डायरेक्टली कुछ एज सच लेना देना नहीं होता, सिंपल सी बात है। एम्प्लॉयज का मान मेन एक ही काम होता है, काम करो और पैसा लो, दैट्स इट। We are not into management. Public की बात करें, public तो sir 100% external user में आएगी। पता है क्या होता है इसका shortcut? Eliminate करो जो चीज लगता है समझ नहीं आ रहा ना, negative ढूंढो। Sir lender 100% external user है, employees yes sir external user, अभी अभी हमने बात की थी। Next public sir external user, बचा क्या officers, जो main officers हैं यही तो main है। Army की बात करिए, क्या चीज बेटा, बोलो ऑफिसर्स कौन होते हैं यार? ऑफिसर आर्मी में भी आप देखते होंगे, आपको ऑफिसर्स दिखते हैं, सबसे मेन कनेक्टेड है बेटा जो एक फौजी है, ठीक है आप कुछ भी कहें, आप मूवीज देखते हैं, फौजी का मेन एक ही काम होता है भाई, सीधी सी बात, सर हमारी तनख्वाह हमें टाइम से पहुंचा देना, हमारा घर परिवार है, ठीक है हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, या हमारा थोड़ा सा वतन के लिए कुछ था दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन मेन हमें तनख्वाह बराबर हमारे घर पे पहुंच जानी चाहिए, सीधी सी बात है, राइट। लेकिन जो ऑफिसर है हम ऐसा मानते हैं, अरे मैनेजमेंट कौन करेगा, मेन जो ऑफिसर्स है, तो प्रोबेबिलिटी यही है, ज्यादातर चांसेस यही है कि जो ऑफिसर है मेन वो किस में आएंगे, इंटरनल में आएंगे, और कोई ऑप्शन सेट बैठ ही नहीं सकता। आप कुछ सोचिए, और कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठेगा बेटा, आप बताओ क्या लगता है आपके मन में आ रहा है, तो आप बताओ क्या लगता है। पब्लिक 100% एक्सटर्नल, लेंडर्स 100% एक्सटर्नल, अब एम्प्लॉयज और ऑफिसर की बात है, क्या एम्प्लॉयज इंटरनल में आएंगे, आपको ऐसा लगता है? सोचिए एक बार, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय, आप में से बहुत से बच्चे आगे जाएंगे, टैलेंटेड बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क करेंगे, हो सकता है रात को आप अपना फोन भी स्विच ऑफ करके सोए, कंपनी में इश्यू है, मैनेजमेंट का पर्सन ऑफिसर ये सब जाएंगे, राइट। ये हो सकता है तुरंत कंपनी के हेड ऑफिस जाए, या जहां पे कुछ इश्यू हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, कुछ चोरी हो गया, दे विल गो टू दी कंपनी भले रात के 12 बजे, लेकिन देखिए एम्प्लॉयज नहीं सर, एम्प्लॉयज एक्सटर्नल में आएगा, ये बात तो कंफर्म है। इज इट ओके, कंफर्मड है आंसर इसका, क्या होगा सही? ऑफिसर्स इंटरनल एम्प्लॉय में 100% लिया जा सकता है, इंटरनल यूजर्स में। चलिए अब कुछ और अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक अच्छा, ताकि लगे कि हाँ हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं।
23rd नंबर क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, चेक कीजिए 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which one of the following is not, देखो फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, क्या लिखा है? Which one of the following is not, मतलब इसमें सारे पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, बस एक को छोड़कर। सोचिए, दिमाग लगाइए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23rd। बी आंसर सर, बी होगा। देखो हम सारे पढ़ते हैं, हम सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है, देखो आप कितने भी अच्छे हो, कहीं ना कहीं नियत खराब हो ही जाती है बच्चे की, और बुक के पीछे से आंसर देख ही लेते हैं, ऐसा होता है बेटा कई बार, राइट? तो हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज गुड। पहला है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, असेट लायबिलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए। थर्ड है रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिल्कुल सर। फोर्थ है इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव है, 100% ऑब्जेक्टिव है। बट इफ यू टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट असेट्स। अरे भैया, क्या आप, अगर स्कूल का यहाँ पे अकाउंटेंट है, क्या वो सर के घर की प्रॉपर्टी के अकाउंट्स बनाएगा? क्या घर के अकाउंट्स बनाएगा? इज इट पॉसिबल? नो सर, स्कूल के अकाउंट्स बनाएगा ना, कि स्कूल में कितनी फीस आई, कितनी सैलरी एम्प्लॉयज को दी, पियोन को कितना पेमेंट किया, कितना फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगा, कहाँ कहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, सिंपल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखा जाए तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, करेक्ट तो क्या है, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। डन, आगे चले बेटा, आगे चले, कौन सा पढ़े? चलो 24 देखते हैं अभी के अभी, 24 बैक टू बैक। The information provided in the financial statement of an enterprise pertains to, सोचिए भाई, financial statement में आप क्या करते हैं, किसका दिखाते हैं financial statement, किसका बनाते हैं? देश का, business enterprise, industry का, बिल्कुल correct answer, बिल्कुल, very good, very good, C is the right answer, very good बेटा, मजा आता है। देखिए theoretical knowledge ले लो पूरी, फिर उसके objective type questions करो, मजा आ जाता है, right? नेक्स्ट देखिए, इसी बात पे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बट प्लीज थोड़ा सा होल्ड ऑन, टाइम देना एक सेकेंड, आधा मिनट रुकना चाहिए, सारे पॉइंट्स पढ़ने चाहिए इसमें। अब ये पॉजिटिव है, इसमें से कौन सा एडवांटेज है अकाउंटिंग का, बाकी लिमिटेशन है, लेकिन एक एडवांटेज है बेटा, बिल्कुल एडवांटेज है। सोचिए 19 का आंसर क्या होना चाहिए? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सोच लो। चलिए मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, इसमें से कौन सा एडवांटेज है अकाउंटिंग का। हमने आपके सामने, हमने आपकी बुक में एडवांटेज भी पढ़े थे, लिमिटेशंस भी पढ़ी थी, अब हमने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए और हम आपका दिमाग चेक करना चाह रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको एक मिनट पहला पॉइंट क्लियर करूं बेटा, पहला पॉइंट क्लियर करूं। आप में से एक बच्चे ने क्या किया, सुनना बेटा, यस मोहित म्यूट रखिए बेटा प्लीज, ध्यान से सुनना बेटा, मोहित म्यूट रखिए बेटा सिस्टम। एक बात बताइए, आपने कुछ टाइम पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी बेटा, आपने क्या परचेज की थी? एक बिल्डिंग, इज इट ओके? और वो बिल्डिंग 10 साल पहले आपने खरीदी थी, सपोज 20 लाख में। आपने ये बिल्डिंग 10 ईयर्स बैक JNV जय नारायण व्यास कॉलोनी में परचेज की थी। मुझे बस इतना बता दो, क्या आज भी इसकी वैल्यू 20 लाख होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या लगता है? ज्यादा होगी। बाप रे, क्या हो गया? कोई बच्चा कैसे कहता है व्यास कॉलोनी में एक आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी वैल्यू कम हो गई? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कोई बता सकता है, क्या लगता है, एनी आइडिया? 20 लाख की कितनी होगी? डबल भी नहीं बेटा, 3 करोड़ भी मैं नहीं मानता, सुनना, मे बी 60 लाख टू 1 करोड़, 1 करोड़ हो सकता है आराम से, 10 साल पुरानी बात है बेटा, इतना रेट्स बढ़ चुके हैं। अगर 1 करोड़ है, अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात का आंसर दो, वाइल प्रिपेयरिंग दी अकाउंट्स, हम अपनी बैलेंस शीट में इस प्रॉपर्टी का प्राइस 20 लाख शो करेंगे या 1 करोड़? 1 करोड़, 20 लाख। मजा आ रहा है मुझे, अलग अलग आंसर आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट मींस कहीं ना कहीं बिल्कुल 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 रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कुछ बच्चों को, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है। लेकिन एक बात बता दूं,
आंसर क्या होगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट, तभी तो ये नेगेटिव पॉइंट है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये नेगेटिव एस्पेक्ट है बेटा. एक बात बताओ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है, लेकिन तो भी आप 1 करोड़ नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कि अगर आपने कोई फिक्स असेट 5 लाख की परचेज की है, भले इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, आप इसे उसी पे शो करेंगे जिस पे आपने इसको परचेज किया है. और अगर कहीं डेप्रिसिएशन लगता है तो वो भी चार्ज करेंगे. अरे भैया ये तो गलत बात है सर, अब इसकी वैल्यू 20 लाख के बदले 1 करोड़ हो चुकी है. अगर हम 1 करोड़ दिखाएंगे तो सोचिए कितना बढ़िया रहेगा कि ये हमारा बिजनेस चल रहा है, वंडरफुल, दी बेस्ट. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये अकाउंट्स का एक नेगेटिव पॉइंट है, राइट. नेक्स्ट देखिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्या हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं? क्या मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, क्या मैं इसे अकाउंट्स में दिखा सकता हूँ क्या बेटा? मेरी इच्छा तो बहुत करती है कि काश मैं अपने पढ़ाने की क्वालिटी को 24/7 मैक्सिमम, जब भी बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट हम सर इसे अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते. हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की मम्मा बहुत ही यमी फूड बनाती है, लेकिन वो नहीं दिखा सकते. बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर बता रहा हूँ, अगर उनका कैंटीन है, मतलब वो फूड का टिफिन प्रोवाइड करती है, टिफिन सेंटर है, तो फिर भी ये प्रोवाइड हो सकता है कि आपने कितने रुपीस का अर्निंग किया बाय सेलिंग द टिफिन एंड ऑल. लेकिन अगर आपकी मम्मा आपके लिए टिफिन बना रही है यमी यमी फूड, क्या आप उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी मम्मा के खाने को? बताइए, नहीं कर सकते. ये नेगेटिव पॉइंट है बेटा. क्यों नहीं कर सकते? आप सोचिए, आपने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया और क्वालिटी दी बेस्ट है, बट क्वालिटी कैन नॉट बी शोन, बिहेवियर कैन नॉट बी शोन, ओनली व्हाट कैन बी शोन, मनी मनी मनी, ऑल दी ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी, व्हिच आर हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यूज. तो सर ए भी नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉइंट है. बी भी नेगेटिव पॉइंट है. थर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. सर बात सही है, हम सारी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाते अकाउंट्स में, आप कुछ भी कहिए, ठीक है. तो कौन सा पॉइंट सही है, क्या लग रहा है 19 का बेटा? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, डिटेक्शन ऑफ एरर. हाँ सर, अगर एरर्स होते तो हम पता लगा लेते हैं. जैसे कि बेटा हम आप सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, आप सबका रिकॉर्ड है हमारे पास, आपने पेपर दिया तो हमारे पास गूगल ड्राइव पे उसका रिकॉर्ड है, राइट. और अगर बाय चांस हमने कहीं गलती कर दी रजिस्टर में नोट डाउन करते समय आपके मार्क्स, तो हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. कितना अच्छा डिस्कशन हमने किया, यानी कि हमने कहीं ना कहीं एक टॉपिक कवर अप कर लिया, थोड़ा सा एडवांटेज भी और थोड़ा डिसएडवांटेज भी, लिमिटेशन भी. इसका करेक्ट आंसर है डिटेक्शन ऑफ एरर्स. मैं फिर बोल रहा हूँ, सीबीएसई की एक प्रॉब्लम है बेटा, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम यही है कि हम आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार यहाँ तो पॉजिटिव था, राइट बेटा. आगे चलते हैं, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, सोचिए बेटा, सोचिए सोचिए. ऑल सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल कल हमने पढ़ा था सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और दो हो गए तो ये कंफर्म है कि ऑल ऑफ द अबव के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, राइट. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. वेरी गुड बेटा. चलिए अब देखिए 26 इसी से कनेक्टेड है, तो हमें अभी के अभी पढ़ना चाहिए. अकाउंटिंग इज, क्या है अकाउंटिंग बच्चों? व्हाट इज अकाउंटिंग? आर्ट एंड साइंस बोथ. आर्ट एंड साइंस. आर्ट एंड साइंस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा. आर्ट एंड साइंस बोथ, राइट बेटा, ठीक है ना. अब इसके बाद जल्दी से 29 में आते हैं. पहले हम बच्चों 29 में, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग सबसे मेन किससे कंसर्न रखता है बेटा? सोचिए, दिमाग लगाना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, ए इज द आंसर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. ना तो हमें समराइज से कुछ लेना देना है, ना यूजर से कुछ लेना देना है, ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर ये सब पार्ट किसमें होते हैं बताइए? ये सब पार्ट किस में होते हैं बेटा? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में देखो, कोई भी चैप्टर करो इस साल, आपका जो भी हाफ सिलेबस आने वाला है, इसमें तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप दिखेगा आपको, जहां सब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, जैसे जर्नल,
अब बिना जर्नल सीखे अगर बच्चा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का सोचे, मैं गारंटी लेता हूं वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। अगर 10 क्वेश्चंस में से एक या दो कर ले तो एक अलग बात है, अदरवाइज कोई भी प्रैक्टिकल टॉपिक सीखना है पहले लॉन्ग क्वेश्चंस और बाद में उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने की आदत बनाइए। राइट, अब इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल कंसर्न है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते थे बेटा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट, परेशान करना चाह रहे हैं, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं बेटा। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, आपने पढ़ा है बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब फील्ड है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, लेकिन सर बुक कीपिंग ये क्या है? बुक कीपिंग तो हम जो 11, 12 में वैसे पढ़ते हैं उसको एक बुक कीपिंग बोलते भी हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग की अकाउंट जब भी हम मेंटेन करते हैं तो डबल एस्पेक्ट के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब फील्ड तो नहीं है सर, दिस इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, राइट बेटा। चलिए 31 पे भी आते हैं जल्दी से, 31 भी अच्छा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज, टैक्स वालों के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जरा सोचिए बेटा, दिमाग लगाइए। प्रॉफिट जनरेटेड, प्रॉफिट जनरेटेड, प्रॉफिट जनरेटेड। व्हाई व्हाई? कॉज उसी से ही वो टैक्स कलेक्ट करेंगे ना, आउटपुट ज्यादा आएगा। इसी के ऊपर तो हमें क्या देना पड़ेगा सर, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स। वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर है, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। चलिए जी, अब इतना पढ़ा है तो लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स मे बी मैनिपुलेटेड, अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, ऑल ऑफ यू क्या लगता है? 100% करेक्ट, करेक्ट, 100% करेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 100% करेक्ट। चलिए अब